may be effect of other statement read both the statement and decide which of the following answer choice correctly depicts the relationship between these two statements statement number 1 says the prices of food grains and other essential commodities in the open market have risen sharply during the past 3 months statement 2 says the political party in opposition has given a call for general strike टू प्रोटेस्ट अगें द अगेंस्ट द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी नाउ यहाँ पे देखिये क्या है यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट है सो स्टेटमेंट वन क्या कहता है प्राइसेज ऑफ फूड ग्रेन प्राइसेज ऑफ फूड ग्रेन्स प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल एंड अदर अदर एसेंशियल एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज शियल कॉमोडिटीज है राइज एन शार्पली अब क्या हुआ है लोग जो है इसके प्राइस बढ़ने के लिए क्या होगा लोगों में गुस्सा आएगा की प्राइसेज जो है फूड ग्रेन के वो बढ़ गए हैं बहुत ही ज्यादा और जो एसेंशियल कॉमोडिटीज है जो आपकी बेसिक नीड है उनके प्राइस बढ़ गए हैं तो ये क्या है ये आपके पास एक कॉज है ये कॉज हो गया एंड इसका एक इफेक्ट नजर आएगा क्या इसका इफेक्ट है तो अगर स्टेटमेंट टू देखें हम तो स्टेटमेंट टू एक इफेक्ट है तो यहाँ पर क्या किया है ओपोजिशन पार्टी ओपोजिशन ओपोजिशन पार्टी ने कहा है कि भाई हम स्ट्राइक करेंगे सो ओपोजिशन पार्टी हैव कॉल्ड ओपोजिशन पार्टी हैज कॉल्ड पार्टी हैज कॉल्ड स्ट्राइक अगेंस्ट हैज कॉल्ड जनरल प्रोटेस्ट अगेंस्ट जनरल प्रोटेस्ट अगेंस्ट जनरल प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी अगेंस्ट गवर्नमेंट इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट हम एक स्ट्राइक करेंगे तो ओपोजिशन ने कहा कि हम क्या करेंगे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट हम स्ट्राइक करेंगे तो ये इफेक्ट हो गया तो यहां पर स्टेटमेंट वन कॉज है एंड स्टेटमेंट इज़ इज़ इट्स इफेक्ट। सो ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही है आज डाउनलोड करे या न्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर